तुम मुगलों का इतना साहस कि तुम हमारे घर के द्वार तक पहुंच गए। हम दोनों मिलकर इन मुगलों को पाठ पढ़ाते हैं। बड़ी गलती कर दी तुमने बाहर आकर, अब सबसे पहले मौत तुम्हारी ही होगी। तो तुम हो उन सैनिकों के नेता, हमें भी आरंभ तुमसे ही करना चाहिए था। मैं अजमेर से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम जैसे राजपूत का सर कलम करके अपनी बादशाह के कदमों में चढ़ा सकूं। सबसे पहले जाके अपना सर चढ़ाओ। विशाल सेना के पीछे छिपकर बैठा है। आ गया हम। लड़ हमसे दो दो हाथ, युद्ध कर हमसे एक सच्चे और वीर योद्धा की तरह। यू व्यर्थ की हजारों और लाखों सिपाहियों का रख पाता युद्ध में। हिम्मत है तो हम और तुम दोनों ही आज इस युद्ध का निर्णय कर लेते हैं। आ गया हम।
अगर मैदाने जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। प्रताप हमें ललकार रहा है। गुस्सा की माफ हो गई पर मैं आपको ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगा। आप हरगिज मत जाइए प्रताप से लड़ने। मुगल हमारी संस्कृति अतिथि देव भव के सिद्धांत को सर्वोपरि मानती है। इसलिए जो भी हमारे देश में आया हमने सर झुकाकर हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन। जो भी हमारे देश में रहना चाहता है अपने हृदय में उसे स्थान देते उसे अपने संस्कारों और मान्यताओं के साथ अपने देश में रहने की अनुमति देते। किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा कि वही अतिथि हमारे ही घर में हमारी स्वतंत्रता छीन रहा और मुगल हम ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। यदि तुमने हमारी मातृभूमि पर आक्रमण किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि तुम हमसे नहीं लड़ो क्योंकि तुम बेकार हो। और याद रखना यदि तुम कभी भी किसी भी युद्ध के मैदान में हमारे सामने आ गए तो हम तुमसे हमारा जीवन जीवन इस ध्वज के आगे यदि तुमने पांव रखने का भी दुस्साहस किया प्रताप सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्रताप आ गए हैं। कुंवर प्रताप ने आते ही मुगलों को पीछे खदेड़ दिया और हरा दिया है उन्होंने अकबर की सेना को। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेवाड़ की आन को बचा लिया है तो आप हमें आप पर गर्व है। बहुत गर्व है। नहीं राजीराज हमने नहीं बचाया ये सब एकलिंग जी की कृपा है।
कुंवर प्रताप इतने दिनों बाद महल लौट रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज इनकी आरती आप उतारें। भाई जी, कुंवर प्रताप को आशीर्वाद दीजिए कि आज जैसे इन्होंने मेवाड़ को जीत दिलाई है, भविष्य में इन्हें ऐसी कई विजय प्राप्त हों। हमारा आशीर्वाद सदैव इनके साथ है। दादा भाई, अब आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वीर भाई जी, आज कुंवर प्रताप ने युद्ध में ऐसी अभूतपूर्व वीरता दिखाई है कि आपको देखना चाहिए था। कैसे शेर की भांति ये उन मुगलों के ऊपर छपते हैं, जिन्होंने अकबर और उसकी सेना को खदेड़ के रख दिया। जिसे जीते जी अपने पुत्र की ऐसी वीरता देखने को मिल जाए, उसे ईश्वर से और क्या चाहिए। हम अमर सिंह से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वे? वे आंगन में कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपको अपने शस्त्र विद्या के कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। हाँ कुंवर प्रताप, इतने दिनों में उन्होंने जो कुछ भी नया सीखा है वो सब आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए। अमर सिंह जी, तलवार निकालिए अपने राजीराज। वैसे आप करने क्या वाले? लोग तो आपके शूरवीरता के गीत गा रहे हैं ना, अब आप हमारे साथ तलवार में दो दो हाथ करके देखिए कि हम कितने शूरवीर हैं, आपसे कम कि आपसे अधिक। वो तो हम आपको लड़ने के पश्चात ही बता सकते हैं। तो समय क्यों गवा रहे हैं, उठाइए अपनी तलवार और आइए हमारे सामने। आइए राजीराज, आइए ना। लड़े आपसे? अवश्य आपसे लड़ेंगे। वाह अमर सिंह जी, वाह, तलवारबाजी में अब हमसे भी अधिक निपुण निकले। सच राजीराज? सच, पूरा सच। पर आपको बुरा तो नहीं लगा हमसे हार के? एक पिता को अपने पुत्र से हारने में आनंद ही मिलता है। अमर सिंह जी, एक शूरवीर तो जीता ही उसी दिन के लिए जिस दिन उसका अपना पुत्र उसे हराकर और बड़ा बना दे। अब हम भी राजीराज के साथ युद्ध में जाएंगे और अपनी तलवार से उस मुगल की गर्दन उड़ा देंगे। वाह भंवर जी वाह, क्या बात है। हमें आपसे यही आशा थी। आप एक सच्चे राजपूत हैं और एक सच्चा राजपूत बचपन से ही रण कौशल और साहस के संकेत दिखाने लगता है। आप तो हमसे बात ही मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अमर सिंह जी, अब आप अपने बड़े दाजीराज को और दाजीराज को परेशान मत कीजिए, हमारे साथ चलिए। राजीराज, अब कृपया सभी को दरबार में बुला लें, हमें सबसे बात करनी है। तो मुगल अब चित्तौड़ में। अब एक दिन भी नहीं दिखना चाहिए, एक दिन भी नहीं। मानना पड़ेगा, कमाल का हौसला होता है राजपूतों में। सरेआम मुगल शहंशाह को ललकार दिया, ये बिना माकूल जवाब दिए चुपचाप लौट के, ठीक नहीं क्या शहंशाह ने? शहंशाह जंगी चाले सोचने में माहिर है,
शहनशाह मुगलिया सल्तनत है वे, हर किसी तलवारबाज से यूं ललकारने पर लड़ना भिड़ना उन्हें सेब नहीं देता। चाहे जो भी हो, शहनशाह को यूं अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। आखिर शहनशाह मुगलिया है वो, चाहते तो उस राजपूत को धूल भी चटा सकते थे। इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी बड़ी ही जिम्मेदारियां हैं उनके सर पे, वे यूं ही किसी के कहने पर लड़ने जैसा फैसला वे खड़े खड़े कैसे ले सकते हैं? जरूर उनके दिमाग की कोई गहरी चाल होगी। कोई चाल वाल नहीं है, खालिस डर है मियां। पता नहीं शहनशाह के जहन में ये कैसा डर घुस गया है। वो प्रताप से सीधे सीधे मुकाबला कर ही नहीं पाते। इतनी बड़ी मुगल सल्तनत के शहंशाह होकर भी एक मामूली से राजपूत प्रताप से डर के लाहौल बिलाकुवत। इंसान के जहन में हर एक बार खुद की कुवत के लिए शक सर अंजाम हो जाए, शक उस इंसान को बर्बाद कर देता है। खास करके वो इंसान बादशाह हो, अल्लाह ही मालिक है। यकीनन तुझ पर थू थू कर रही होगी तेरी फौज, मगर परवाह मत करना, जान बच गई तेरी। सही फैसला था हमारा, प्रताप को सीधा मुकाबला करने की इजाजत नहीं दे सकते थे हम। क्या खाक सही फैसला था? डरे हुए थे तुम। कभी कभी खौफ जिंदगी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, और इंसान में कुदरती फितरत होती है अपने आप को बचाने की, और यही फितरत हमें आगाह करती है कि कब हमें डरना चाहिए और कब हमें गुस्सा करना चाहिए, और इसी की वजह से आज तुम और हम जिंदा हैं। तो अब क्या करोगे प्रताप के साथ? अब अगर आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, तो हम सोच पाएंगे कि हमें प्रताप के साथ क्या करना है। जाए आप। तू क्या करेगा? अब जो भी करेगा प्रताप करेगा। कुंवर प्रताप की चिराज, मेड़ता के सफल अभियान के बाद मेवाड़ आने पर हम आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अजीराज, आपके पुनः मेवाड़ आगमन से हमारी शक्ति दोगुनी हो गई है। विराजिए बाजीराज। कुंवर प्रताप, आपने जिस तरह मुगलों के साथ घनघोर युद्ध किया, वो दृश्य अपने आप में अविस्मरणीय, अद्भुत, अप्रतिम था। अब इन मुगलों को पता चला कि चित्तौड़ की शक्ति क्या है। दाजीराज, इस शक्ति की बात कर रहे हैं, वो मुगल अब भी हमारे घर के बाहर बैठे हैं और हम यहां अंदर दुर्ग के दरवाजे बंद किए बैठे हैं। इस परिस्थिति में हमें कोई जीत नहीं दिख रही। जब तक हम उन मुगलों को अपनी सीमाओं से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते, हमें हमारी जीत नहीं दिखेगी। तो आपका क्या सुझाव है कुंवर प्रताप? हमें उस मुगल पर आक्रमण करना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.